स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज ही कंडक्ट किए गए एक टेस्ट को लेके, जिसके बारे में जो एक एरिया वार्निंग है उसको इशू किया गया था लास्ट वीक। और ये एरिया वार्निंग वैलिड थी 18 और 19 दिसंबर के लिए, जहाँ पे जो एरिया का रेंज था वो तकरीबन 1700 किलोमीटर के अंदर था। तो पहले यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है वो आ चुका था कि यहाँ पे प्रॉब्लम अग्नि प्राइम को ही टेस्ट किया जाएगा। अग्नि प्राइम को लेके हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही में जो एक रिवीलेशन है वो किया गया था DRDO के साइंटिस्ट के द्वारा कि जो आपका अग्नि प्राइम होगा वो मूविंग टारगेट को भी हिट करने जा रहा है। तो टेक्निकली जब ये चीज जुड़ती है, जहाँ पे आप एक मूविंग टारगेट को हिट कर रहे होते हो समुद्र में, तो जो एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। उन सबको देखते हुए जो टेस्टिंग है वो रिग्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे जो आज का टेस्ट है अग्नि प्राइम का वो एंटीसिपेटेड था, जिसको आज ही सुबह में फायर किया गया है। और आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर कल भी इसको फायर किया जाए। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि सीरीज में इसको आप सबसे एडवांस मिसाइल कह दोगे टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। यहाँ पे मिसाइल का ज्यादातर जो सेक्शन है उसको कंपोजिट से बनाया गया है, और जो इसका री एंट्री व्हीकल है वहाँ पे फिन्स दिए गए हैं जो इसको हेल्प करेंगे एंड गेम में मनोवर करने में। प्रॉब्लम यहाँ पे जो फिन्स है वो मूविंग फिन्स है। मिसाइल में 2 स्टेज दिए गए हैं, सॉलिड मोटर के 2 स्टेज हैं, आपको कुछ ऐसा ही दिखने वाले हैं, जहाँ पे बेस पे जो नोजल का अरेंजमेंट रहेगा वो कुछ ऐसा रहने वाला है। और पॉसिबली एंड गेम में जो आपका आरवी व्हीकल है उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ताकि वो टारगेट तक पहुंच सके, यहाँ पे जो लेजर अल्टीमीटर है वो दिया गया है। सो बेसिकली किसी मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म से आप डेटा को इकट्ठा करके, स्पेशली समुद्र में जो आपको की इनपुट मिलने वाला है वो INS के साथ साथ इंडिया का जो INSS है उससे यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा। तो यहाँ पे कई सारी नई टेक्नोलॉजी आज के टेस्ट में वैलिडेट की गई है, और जो मिसाइल की परफॉर्मेंस है उसको भी आज कैलिब्रेट किया गया है। तो अग्नि प्राइम के टेस्ट वीडियो को एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो इनिशियली जो आपके लॉन्चर होंगे वो पावर यूनिट से जुड़े होंगे, जैसे कि जनरेटर हो गया। और एक बार जो लॉन्च कमांड है वो मिलने के बाद, प्रॉब्लम जो आपके फाइबर ऑप्टिक केबल है उनके थ्रू यहाँ पे लॉन्च कमांड पहुंचेगा। तो जैसे यहाँ पे लॉन्चिंग है वो होती है, तो यहाँ पे जो एक मोटर है वो मिसाइल को बाहर फेंकेगा, यानी कि लॉन्चर से बाहर फेंकेगा, और फिर जो मेन इग्निशन है मिसाइल के मोटर का वो शुरू होगा। तो कुछ ऐसा ही आपको पहले कुछ सेकंड में दिख रहा है। जो अंदर का अरेंजमेंट है वो आपको ऐसे दिखेगा, जहाँ पे आपको कैनिस्टर बाहर दिख रहा है, बीच में मिसाइल है, और उसके अंदर जो पहले स्टेज का मोटर है वो आपको दिख रहा है। तो जो अरेंजमेंट है वो मोर और लेस ऐसे ही रहने वाला है, और जो भी गैप है कैनिस्टर और मिसाइल के बीच में, वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए एक जो सपोर्ट रिंग है ऑब्टूरेटर बेल्ट, वो यहाँ पे स्ट्रैप रहेगा मिसाइल के पास। तो जैसे यहाँ पे लॉन्च के टाइम पे आप मिसाइल को बाहर फेंक रहे होते हो और मिसाइल आपके लॉन्चर को छोड़ के जा रहा होता है, तो एक जो जेट वेन है वो क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे आपको लॉन्चिंग के टाइम पे दिख रहा है फायर साइड वाइज निकलते हुए। तो बेसिकली वो एक ऑब्टूरेटर बेल्ट के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे इस बेल्ट के बारे में और बात करते हो तो ये स्टेबिलाइजर के रूप में तो काम करेगा ही, लेकिन इन सब के बीच में जो एक्सटर्नल इनकमिंग फ्लो है वो मिसाइल और कैनिस्टर के बीच में एक प्रेशर क्रिएट करता है, और इस तरह से इनर और आउटर सरफेस के बीच में जो डायनामिक अफ्लुएंट है वो बना रहता है, और वहाँ पर जो आपकी मिसाइल है उसकी वजह से स्टेबल रहती है थ्रू आउट द सरफेस एरिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे जो आपका मिसाइल है वो कैनिस्टर को छोड़ रहा होगा, जो ऊपर वेट है वो बढ़ेगा, तो वहाँ पर जो स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो हायर रहेगी, और इस तरह से जो एक यूनिफॉर्म स्टेबिलिटी है वो भी मिल जाती है। तो टेक्निकली जो स्टेबिलाइजेशन ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहता है जब तक कि आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो जलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जो साइड फायर है वो सपोर्ट रिंग के द्वारा बनाए गए जो जेट वेन है उनका ही आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही जो आपका पहला स्टेज है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, वो उसको लेके जाएगा टर्मिनल फेज तक, फिर वहाँ पर जो आपका पहला स्टेज है वो बर्न होगा, और टारगेट के आसपास जाने के बाद जो री एंट्री व्हीकल है वो सेपरेट होगा, और वहाँ पे जो भी आपके एवियोनिक्स है, सेंसर है, गाइडेंस मैकेनिज्म है, वो सभी डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, और अकॉर्डिंगली जो मोशन है यानी कि मनूवर करने की क्षमता है उसको एक्टिवेट करेंगे टारगेट तक पहुँचने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं HAL के बारे में। HAL का जो एयरक्राफ्ट अपग्रेड रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर है, यानी कि AURDC, उसने एक नया अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया है इंडियन नेवी के फलक्रम के लिए, यानी कि MiG-29K के लिए। और HAL के इस अपग्रेड पैकेज के अंतर्गत जो भी नेवी के MiG-29K हैं उनको नए मिसाइल्स और सेंसर दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका जो मिशन कंप्यूटर होगा वो एडवांस होने जा रहा है। जो A12 मिसाइल होंगी उसके रूप में आपका जो अस्त्र है DRDO का अस्त्र, उसका इंटीग्रेशन शुरू कर दिया गया है, और A12 ग्राउंड वेपन में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनका भी जो इंटीग्रेशन है वो किया जा रहा है, और यहाँ पे जो लेजर पॉड है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जो नेवी के फलक्रम से उनकी ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि जो आप प्लान कर रहे हो TEDBF को वो अगर अपने समय से भी आता है तो नेवी को ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और वैसे भी कहीं इस तरह के नए वेपन और सेंसर का इंटीग्रेशन है वो आपके एयरक्राफ्ट की क्षमता को बढ़ाने जा रहा है। इसी में हम बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। यहाँ पे अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत आई थी, तो इस दौरे के टाइम पे ही उन्होंने इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि ISC-1 विक्रांत के लिए 200 के Rafale-M को ऑफर किया है। अब यहाँ पर Rafale-M लिफ्ट में फिट होता है या नहीं, या फिर भारत के रिक्वायरमेंट के लिए जो फोल्डेबल विंग है Rafale में वो चीज डाल के ऑफर करते हैं, ये सारी चीजें बाद की बात है, लेकिन जो एक ऑफरिंग है वो यहाँ पे ऑफिशियली कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।